गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हम एक्सरसाइज 6.3 पर हैं। एक्सरसाइज 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर कुछ एंगल्स हमको दिए हुए हैं, उसके हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करना है। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका मेजर क्या कितना होता है, 90 डिग्री, जिसमें हम टू एंगल्स को अगर प्लस करें तो उनका मेजरमेंट आना चाहिए 90 डिग्री। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, इसमें हमको फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 30। आपको पता है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हमको एंगल दिया हुआ है 30। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको पता है कि दोनों एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इसमें हमको एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा हमको फाइंड करना है। तो दूसरे एंगल्स हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 30, 45 डिग्री और 40 डिग्री, 10 डिग्री, है ना। इनके कैसे फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो हम इसमें समझेंगे। तो इसमें देखिए, आप हमको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन ऐसे नोट कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे आप। इसमें ए में हमको दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। अब हमको ये पता है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, अगर है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो हम 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। ऐसे ही हम बी को करेंगे 45 डिग्री, 45 को आप 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो ये 45 डिग्री जो हुआ, ये 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही यहाँ पर 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो हम 90 माइनस करेंगे 40, तो आएगा आपके पास 50। तो जो 50 डिग्री आया है, ये 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी यहाँ पर है 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 कीजिए आप, तो आएगा आपके पास 30 डिग्री। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद ई वाला देखिए, इसमें 90 माइनस 10 करेंगे क्योंकि 10 डिग्री एंगल दिया है, तो हमारे पास आता है 80। तो 80 जो है हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ 10 का। ऐसे 70, 90 माइनस हम करेंगे 70, ठीक है, तो यहाँ आएगा 20 डिग्री। ये 20 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही 50 डिग्री, 90 माइनस हम 50 करेंगे तो आएगा 40 डिग्री, ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही 35 डिग्री, 90 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास आएगा 55 डिग्री, ये हुआ 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही 85 का किया। तो ये हुआ आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने, जो एंगल्स दिए उसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 होता है, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर जैसे हमने 90 में से माइनस किया था, ऐसे ही अब हम 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 में से आप 110 को माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। ये 70 डिग्री 110 का सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। ऐसे ही 30 डिग्री को माइनस कीजिए 180 में से, तो 150 डिग्री आएगा। फिर ऐसे ही 140 को माइनस किया, 40 डिग्री आया। इस टाइप से हम इनको माइनस करेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल्स लेके आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होगी। अब आपके पास यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज आ रही है हमारी 6.4। इसमें आपको क्या करना है, एंगल्स कॉपी में ड्रॉ करने, जैसे इसमें दिए वैसे ही आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे, और उसमें एंगल्स के केवल आपको नेम बताना है कि क्लासीफाई करना है कि ये कौन से एंगल्स है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यहाँ पर जो दिए हुए इनकी लेंथ और साइड के हिसाब से आपको इसके इनके नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसमें तीनों साइड इसकी अनइक्वल है, है ना। यह 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 साइड्स क्या है, सब अनइक्वल है ना। तो यहाँ पर जिन साइड इसकी साइड्स सभी क्या होती है, अनइक्वल है, साइड्स अनइक्वल है, और जो ट्रायंगल्स है वो भी सब क्या है, अनइक्वल है ना, ट्रायंगल्स भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर देख, इससे पहले हम पहले एंगल्स को समझ लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, यहाँ पर जो साइड्स की जो लेंथ है उसके बेसिस पे एंगल्स के नेम अलग होते हैं, और जो ट्रायंगल्स के नेम अलग होते हैं, और एंगल की बेसिस पे ट्रायंगल्स के नेम अलग होते हैं। तो यहाँ पर साइड की लेंथ ऑफ साइड्स की लेंथ के हिसाब से एंगल्स के नाम कैसे देखेंगे हम, देखिए इसमें सभी की साइड सेम है,
सेम है ना, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है। इसकी क्या होती है, अ ट्रेंगल उज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे ही जो आइसोसेल्स ट्रेंगल होता है उसकी टू साइड्स इक्वल होती है, ओनली टू साइड इक्वल। देखिए ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये इसमें टू साइड्स इक्वल है। तो जिसमें टू साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलिस या समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में आइसोसेलिस ट्रेंगल। तो इसके टू साइड्स इक्वल होती है, अगर टू साइड इक्वल है तो आइसोसेलिस ट्रेंगल है। अगर इसकी तीनों, अगर किसी एंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल है, तीनों साइड्स अनइक्वल है, अ ट्रेंगल उज ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलेंस ट्रेंगल। इसकी तीनों साइड्स क्या होगी, अनइक्वल होगी। तो ये हो गया हमारा साइड के अकॉर्डिंग ट्रेंगल्स के नेम। और दूसरे आपके इसमें काइंड्स आएंगे ट्रेंगल्स के नेम के, वो होंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग। देखिए जिस ट्रेंगल का एंगल 90 डिग्री से कम होगा, जैसे 60 डिग्री 40 डिग्री 80, ये सब 90 से कम है, तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रेंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके क्योंकि सभी एंगल जो है एक्यूट है, छोटे हैं। उसके बाद एक आपके पास आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा, एक एंगल आपको राइट मिलेगा, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल रहेगा, जिसमें देखिए इसमें जैसे ये एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद है ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए इसमें सभी है, इसमें जो एक है 120 40 30, इसमें एक जो है ये 90 डिग्री के अबो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, तो इसलिए इसको ऑप्टिस एंगल बोलेंगे। तो ये हो गए एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायंगल्स के नेम। तो अब आपको इसमें यही करना है, केवल इसको देखना है हमको ट्रायंगल्स को, और इसमें हमको बताना है कि ये स्केलेन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए इसकी सभी साइड अनइक्वल है तो स्केलेन्स हुआ, इसके टू साइड्स इक्वल है ये 4 सेंटीमीटर बहुत, तो ये आइसोसेल्स ट्रेंगल हुआ, ठीक है, ये भी आइसोसेल्स हुआ, और ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हुआ ये वाला, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल है। ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, इसके टू साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ। तो इस टाइप से साइड्स के अकॉर्डिंग हमने इनके नेम फाइंड किए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एंगल्स के अकॉर्डिंग इनके नेम बताना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल राइट है, इसके सभी एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इसका भी ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके भी सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम है। इसमें देखिए आप, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये भी ये ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका जो एक है वो 110 है और 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसमें क्या कराना है, ईच विद ऑफ द फॉलोइंग केस इन ट्रायंगल इज पॉसिबल विद गिवन एंगल्स। हमको यहाँ पर जो एंगल्स दिए उससे पूछा गया है कि किस किस के ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो देखिए जो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी तब होगी जब तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, ऑल द थ्री एंगल्स आर ऐड जब हम हो करें, तो उसका जो सम आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, तो ये राइट है ना, ये एंगल जो है ये ट्रायंगल बनेगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन इसको जब हम सम करेंगे तो ये 180 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। ये 180 आ रहा है तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो आपको जो एंगल बनेंगे उनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मतलब आपको ये दो ए बी ई और एफ कॉपी में लिखना है, बाकी ये दो के नहीं बनेंगे। यहाँ पे क्या करना है, थर्ड एंगल फाइंड करना है, थर्ड मिसिंग एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180, ठीक है, तो 70 और 50 कितना होगा, 120। अब जो रहेगा तो यहाँ पे आपको लिखना है 60, जब आप इसको करेंगे तो 180 आ जाएगा, ये भी 180 आएगा, आपको यहाँ पर 30 लिखना पड़ेगा, या 110 लिखेंगे आप, या 45 लिखेंगे, तब ये 180 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए, एन एक्यूट एंगल हैज़ ऑल द थ्री ऑफ इट्स एंगल एक्यूट, क्या एक्यूट एंगल के तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, ट्रू है ना, ये ट्रू फॉल्स है। ईच एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री, क्या राइट एंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, फॉल्स, केवल एक एंगल 90। द सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल इज 180, यस, सभी एंगल्स 180 डिग्री ट्रायंगल में होते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड एंड ट्रायंगल शुड बी मोर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, टू,
ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रेंगल, यस इक्विलेटरल ट्रेंगल की सभी साइड्स इक्वल होती। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।